महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर 5 साल में काफी कुछ बदल चुकी है और इस बार गठबंधन का स्वरूप भी काफी हद तक बदल गया है। बीजेपी इस बार शिंदे की शिवसेना के साथ, अजीत पवार की एनसीपी सहित कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सूबे की 288 सीटों में से बीजेपी 148 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 2019 में 163 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस लिहाज से जाहिर होता है कि बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले 15 सीटों पर कम चुनाव लड़ रही है, लेकिन बैकडोर से बीजेपी ने ऐसा डबल गेम चला है कि जिसके चलते पिछली बार से कम नहीं बल्कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिल किए जाने की मियाद खत्म होने के साथ बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ हो गया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी 148 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है, तो उसकी सहयोगी शिंदे की शिवसेना 85 सीट पर उतरी है, तो अजीत पवार की एनसीपी जो है 51 सीट पर किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा 4 सीटों पर गठबंधन के छोटे सहयोगी दलों को भी दिया गया है, जिसे बीजेपी अपने कोटे से ही दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने संयुक्त शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने 164 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे और 124 सीट पर शिवसेना चुनाव लड़ी थी। इस बार बीजेपी ने 148 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारे हैं। इस तरह से ये बात पता चलती है कि बीजेपी पिछले चुनाव से 15 सीटों पर कम चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसने अपने 16 नेताओं को शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी से जो उतारा है, इस तरह से बीजेपी ने बैकडोर से अपने 16 नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। इस तरह बीजेपी 2024 में 164 सीटों पर किस्मत आजमा रही। बीजेपी एक नया ट्रेंड चल रही है। बीजेपी ने सहयोगी दलों को सीट देकर के सम्मान भी रखा और सहयोगी दलों की उन सीटों पर अपने नेताओं की उम्मीदवार बना करके मैदान में उतार दिया है। इस तरह बीजेपी एक तरह से सहयोगी दलों को उनके मन के मुताबिक सीटें देकर साथ भी ली और दूसरी तरफ अपने नेताओं को उनके सिंबल पर ही चुनाव लड़ा करके अपने नेताओं के साथ भी बैलेंस बना करके रख लिया है। इस तरह बीजेपी डबल गेम चलकर महाराष्ट्र की चुनावी जंग जीतने का प्लान बना चुकी है। इसी कड़ी में अपने 16 नेताओं को सहयोगी दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ाया, जिसमें 14 नेताओं को शिंदे की शिवसेना से लड़ा रही है, तो 4 नेताओं को अजीत पवार की एनसीपी से चुनावी मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे पूर्व सांसद नीलेश राणे कुडाल मालवन सीट से शिंदे की शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट शिंदे के कोटे में चली गई थी, जिसके चलते नीलेश ने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। इसी तरह शिंदे के खाते में आई कन्नड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे की बेटी संजना जाधव शिवसेना में शामिल होकर के चुनावी मैदान में उतर गई हैं। पालघर विधानसभा सीट शिंदे के खाते में जाने पर बीजेपी नेता राजेंद्र गावित ने शिवसेना में शामिल होकर के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। गावित के लिए शिंदे ने अपना मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया है। होयसर विधानसभा सीट शिंदे के कोटे में आई, जिसके चलते बीजेपी नेता विलास तारे ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण कर चुनाव में उतर गए हैं। भिवंडी पूर्वी सीट भी शिंदे के शिवसेना के खाते में आई है, जिस वजह से बीजेपी के संतोष शेट्टी ने शिवसेना में शामिल होकर के चुनावी मैदान में उतर गए। अंधेरी पूर्वी सीट शिंदे के खाते में आई है, जिसके चलते बीजेपी के दिग्गज नेता मुरजी पटेल शिवसेना का दामन थाम कर चुनाव मैदान में कूद गए हैं। संगमनेर सीट से अमोल खटाल चुनावी मैदान उतरे हैं, जो बीजेपी से शिवसेना में आए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिग्गज नेता साइना एनसी बुम्बा देवी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन यह सीट शिंदे की शिवसेना के खाते में चली गई। ऐसे में साइना ने शिंदे की शिवसेना का दामन थाम कर मुंबा देवी से ताल ठोक दिया है। करमाला विधानसभा सीट से बीजेपी नेता दिग्विजय बागल शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बालापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता बलिराम सिरास्कर भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के 4 नेता अजीत पवार की एनसीपी के टिकट पर भी चुनावी मैदान उतरे हैं। अजूनी मोरगांव विधानसभा सीट अजीत पवार की एनसीपी के हिस्से में आई। इस सीट पर बीजेपी के 2 बार के विधायक राजकुमार बडोले ने चुनाव लड़ने के लिए एनसीपी का दामन थामकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसी तरह से बीजेपी के दिग्गज नेता प्रताप पाटिल चिखलीकर निशिकांत पाटिल और संजय काका पाटिल भी अजीत पवार की एनसीपी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये 4 सीटें ही एनसीपी के खाते में हैं, जिसके चलते बीजेपी ने अपने नेताओं को अजीत पवार की पार्टी से चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो यह बीजेपी का बहुत अच्छा प्लान है कि एक तरफ महायुति में दबदबा बनाने के लिए भी काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि ये पार्टी के जो नेता थे इन्होंने बगावत नहीं की, बल्कि मौका मिला तो इन्होंने सहयोगी दलों का साथ लिया और उसी के टिकट पर चुनाव लड़ गए हैं। लेकिन अगर उसके बाद अब कुछ गुड़ागणित बैठाना होगा तो बीजेपी के लिए आसान होगा, क्योंकि बीजेपी के ये विधायक काम में आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।